नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और हमारे साथ हैं आशुतोष। बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है धारा 370 को लेकर। पाकिस्तान ने अपनी पहली बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संबंध है उसको वो डाउनग्रेड कर रहा है। आखिरकार इस डाउनग्रेड करने का क्या मतलब होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों पर और भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, पहला सवाल आपसे कि ये जो डाउनग्रेड किया गया है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब से धारा 370 के तहत वहाँ पे कार्रवाई की गई है कश्मीर के अंदर और कश्मीर के दो हिस्सों में बांटने का काम किया गया था, तब से इस बात की पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान, आपको याद होगा कि इमरान खान ने फौरन उसके बाद कहा था कि पुलवामा जैसे कई हमले हो सकते हैं, यहाँ तक कि इशारों में एक तरीके से युद्ध की भी धमकी दी थी। लेकिन ये अपनी बैठकों में अपने अंदर उन्होंने कहा था जी, पर अब जो है एक फैसला ले लिया है जो भारत और पाकिस्तान रिश्तों को लेकर जो रीडिफाइन करता है। जी बिल्कुल, तो जो डाउनग्रेड करने की बात है उसका मतलब यह हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हाई कमिश्नर होते हैं, यानी बाकी देशों में हम अम्बेसडर होते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में हाई कमिश्नर होते हैं, तो पाकिस्तान ने जब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को डाउनग्रेड करने का मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त जो भारत में नियुक्त होगा उसको उन्होंने एक तरीके से वापस बुलाने का काम किया है और पाकिस्तान के अंदर जो भारत के उच्चायुक्त होंगे उनको वो भारत वापस भेजने के बारे में कहेगा। यानी भारत पाकिस्तान के बीच में उच्चायुक्त नहीं होंगे, हालांकि अभी भी वहाँ पे जो हाई कमीशन है वो बने रहेंगे, लेकिन हाई कमिश्नर्स वहाँ पे नियुक्त नहीं होंगे। वहाँ पे जो जरूरी स्टाफ होगा वही जरूरी स्टाफ रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने राजनयिक संबंध खत्म नहीं किया है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म नहीं किया है, सिर्फ उसको डाउनग्रेड करने का काम किया गया है। ये एक तरीके से प्रतीकात्मक कार्रवाई भी होती है और भारत और समेत दुनिया को एक तरीके से मैसेज भी देना चाहते हैं कि जो भारत ने 370 के तहत कार्रवाई कश्मीर के अंदर की है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं है और पाकिस्तान इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तरीके से उन्होंने भारत को संदेश दिया है, दूसरी तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय मंच को भी संदेश देने का काम कर रहे हैं और इसी तरीके से वो जो यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका और दूसरे देशों को भी वो बताने का काम कर रहे हैं कि भारत ने जो किया है वो ठीक नहीं है। तो ये इस बात की उम्मीद पहले से की जा रही थी कि पाकिस्तान कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। निश्चित तौर पर ये अगर जो हमारा रिश्ता है उसमें राजदूत नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जो फैसले होते हैं जिसमें राजनीतिक मामले डील किए जाते हैं, सेना के मामले डील किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें और व्यापार, उन पर भी असर जो है वो कुछ ना कुछ पड़ेगा। ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये जो मुद्दा है उसको ले जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे? देखिए, वो एक तरीके से दबाव बनाना चाहता है और कश्मीर के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश वो हमेशा से करता रहा है और पाकिस्तान का ये मानना है कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग नहीं है, भारत ने उस पर कब्जा कर रखा है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान मानता है कि कश्मीर पर उसका हक है। तो ये बात तो पूरी दुनिया को लगातार जताता रहता है और ये कहता है कि हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती सेना के बल पे कब्जा किया है। उसके इस दावे में कोई दम नहीं है, ना ही दुनिया में कोई उसके दावे को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि दुनिया में ये भी मैसेज गया हुआ है कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है, जिसको भारत लगातार कहता रहता है POK, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को मैसेज देने का काम किया है, साथ ही साथ पूरे मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी कोशिश की है। और जो मेरे पास एक जानकारी और आ रही है वो जानकारी ये है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की है और उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया है कि 7 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जो उसके हेड फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के करेंगे और ये कश्मीर के मसले को जो धारा 370 के तहत कश्मीर को दो हिस्सों में करने का काम किया गया है
उसको ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यानी आईसीजे में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहां इसको चुनौती देंगे और वहां पे वो कहेंगे कि भाई जो भारत ने काम किया ये ठीक काम नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इसलिए ये अपने तरफ से ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कदम उनकी तरफ से होगा। इसके अलावा जो हमारे पास एक जानकारी और आ रही है कि वो जो एयर स्पेस जो भी भारत ने पाकिस्तान ने खोला था, आपको याद होगा कि जब बालाकोट का हमला, जब ये पुलवामा में जब हमला हुआ था, तो उस हमले के बाद से भारत ने बालाकोट पे उसका जवाबी कार्रवाई की थी, और उसके बाद जो है वो दो घटनाएं हुई थी। एक तो भारत ने पाकिस्तान को जो MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है उसको विड्रॉ कर लिया था, और पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस से भारत को गुजारने का जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया था। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर अपना स्पेस भारत के हवाई जहाजों के लिए बंद कर देगा। तो ये भी एक तरीके से एक संदेश देने की बात है कि हम अपनी नाराजगी भी जताना है और संदेश भी देना है कि आपने जो काम किया है वो हमें पसंद नहीं है और हम इस मसले पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। So, ये दो मुद्दे हैं, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार, भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं एक दूसरे से, और दोनों देशों के बीच आयात निर्यात होता रहता है। जो अब खबर आ रही है उसके हिसाब से शायद इस व्यापार पर भी कुछ असर पड़ेगा, वो क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप यानी जो व्यापार है उसको भी पाकिस्तान सस्पेंड कर सकता है, बल्कि मुझे लगता है कि वो उसको सस्पेंड करेगा ही करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है कोई बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम नहीं है। तकरीबन जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक जुलाई से लेकर जनवरी यानी 2018 जुलाई से लेकर जनवरी 2019 तक करीब 1.2 बिलियन का व्यापार हुआ था, जिसमें 80% जो चीज़ें थी वो भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया था। और जनवरी के बाद से जो ट्रेड था वो ट्रेड थोड़ा बढ़ रहा था, यानी 5% के हिसाब से उसमें ग्रोथ हो रही थी। तो कोई इतना बड़ा ट्रेड व्यापार नहीं, इतना बड़ा व्यापार नहीं जिसकी वजह से भारत को कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है या पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो एक तरीके से बैंकरप्सी के कगार में पहुंचे हुए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति भी इस वक्त फिलहाल बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन जब तुलना करेंगे भारत पाकिस्तान की तो कोई तुलना है नहीं, और भारत के लिए ये $2 बिलियन का जो ट्रेड है ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, इसका एक प्रतीकात्मक मतलब था कि भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ते थोड़े बेहतर हो रहे थे और इसीलिए व्यापार थोड़ा बढ़ रहा था। निश्चित तौर पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो निर्यात भारत कर रहा था वो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें थी। जी जी, चूँकि सीमाएँ लगी हुई हैं, पंजाब की सीमा लगती है, गुजरात से सीमा लगती है, तो आसान था। और जैसे प्याज है और इस तरह की बहुत सारी चीजें, किसानों को, भारत के किसानों को उसका थोड़ा फायदा था, पाकिस्तान में इनकी कमी है तो जाहिर सी बात है, और बहुत कीमत भी है। टमाटर कहते हैं कि वो मतलब 200 रुपए किलो तक वहां पहुंच जाता है, तो या प्याज की कीमत बहुत होती है, तो वो भारत के किसान जो है और व्यापारी वहाँ बॉर्डर के रास्ते से करते थे, तो जाहिर सी बात है कि जो बॉर्डर पर रहने वाले किसान और व्यापारी हैं जो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन उनका थोड़ा असर तो उनके व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति अभी तक यही आ रही है। एक बात शैलेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारत के लिए जो चिंता का विषय है वो पाकिस्तान से उतना चिंता का विषय नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का ये रवैया होगा ही इसका हमें अंदाज़ा था, और इससे ज़्यादा ख़राब रिश्ते हमारे पाकिस्तान के साथ हमेशा से रहे हैं। जो चीन का मसला है, जो चीन की प्रतिक्रिया है, वो थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब गृहमंत्री अमित शाह ने अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताया था, इस बात को लेकर चीन चिंतित है और उसने अपना प्रोटेस्ट भी भारत को दर्ज कराया है, और भारत ने मजबूती के साथ ये कहा है कि भाई ये भारत का अपना इंटरनल मसला है, हम अगर आपके मसले में दखल नहीं देते तो आप भी हमारे मसले में दखल नहीं दीजिएगा। और बहुत संकेतों में उनसे कह दिया गया था कि जब हांगकांग के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था तो भारत ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों ने टिप्पणी की थी, तो आप भी कृपया हमारे मामलों में आप वो दखल मत दीजिए। इसमें एक मामला जो जुड़ जाता है जिसे हम अक्साई चीन का हिस्सा कहते हैं, अक्साई चीन पर चीन कब्जा कर चुका है 1962 के युद्ध में, मुख्य रूप से कब्जा तो शायद पहले से ही वो कर रहे थे लेकिन वो सामने आ गया था, और जो गृह मंत्री ने कल बयान दिया है उसमें उन्होंने ये बहुत साफ तौर पे कहा कि अक्साई चीन भी हमारा है और
जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वो भी हमारा है और हम उसको वापस लेना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अक्साई चीन की बात जब भी होती है तो चीन जो है उससे बौखलाता है। फिलहाल चीन और भारत का और लद्दाख में भी जो बॉर्डर है उस पर एक तरह की शांति है, लेकिन लद्दाख में भी ये अक्साई चीन अगर भारत में होता तो वो लद्दाख का ही हिस्सा होता, ज्यादातर हिस्सा, तो वो जो है वो एक अपने आप में विवाद का मुद्दा पहले से ही चीन का के साथ है। और अब जब गृहमंत्री ने बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि उस पर चीन की प्रतिक्रिया हम कोई पक्ष में नहीं मान सकते। और उससे दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि हमें भारत सरकार को और हम भारतवासियों को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान इस मसले को यूनाइटेड नेशंस में भी उठाएगा, वहाँ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी उठाने का प्रयास करेगा और वो इस पूरे मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पूरी की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन भारत के लिए एक जो दूसरी अच्छी खबर या सूचना आ रही वो ये है कि पाकिस्तान को जो OIC कंट्रीज़ हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, हम लोगों को ये आशंका थी कि शायद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ या मुस्लिम कंट्रीज़ या मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं वो इस पर गहरी चिंता जताएं या वो किसी तरीके का आक्रामक एग्रेसिव रुख अख्तियार करें। अभी तक फिलहाल करीब 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और किसी तरीके की कोई बहुत नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अच्छी बात यह कि यूनाइटेड अरब इमीरात यानी UAE ने ये कहा है कि भारत का ये अंदरूनी मामला है, इमरान खान ने वहां के शासकों से बात करने का प्रयास किया है। दूसरा जो सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अब सऊदी अरेबिया जो है वो सऊदी अरब का भी जो रवैया है वो काफ़ी हद तक बीच वाला रास्ता है। और भारत में पिछले दिनों सऊदी अरब और यूनाइटेड जो ये है UAE इन दोनों से अपने रिश्तों को बहुत पुख्ता किया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक भारत का जो पलड़ा है वो भारी है। पाकिस्तान लगातार कोशिश जरूर करेगा लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्तर पे या राजनयिक स्तर पे या विदेश नीति के स्तर पे फिलहाल भारत जो है वो पाकिस्तान में बीस पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक एक और बड़ा कारण भी है कि पाकिस्तान इस समय बहुत भयानक आर्थिक संकट में है और पाकिस्तान किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की स्थिति में है ही नहीं। जी जी, ये बात लगभग 6-8 महीनों से सबके सामने है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीमा पर शांति जो है वो बरकरार रहेगी, हालांकि प्रतीकात्मक विरोध पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारत की राजनयिक स्थिति पूरी दुनिया में बेहतर बनी हुई है, ये हमारे लिए एक संतोष की बात है। और फिलहाल इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन फेसबुक पर और ट्विटर पर और यूट्यूब पर हमारा चैनल मौजूद है, आप उससे ज़रूर देखिए। हमसे आप जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम बेबाक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।